The history of Nigeria is bound up with its geography. About one third larger than the state of Texas, Nigeria is located above the inner curve of Alvo of the on the west coast of Africa, just north of equator and south of Sahara Desert. More than 200 ethnic groups, each with its own language, beliefs, and culture, live in present-day Nigeria. The largest ethnic groups are the mostly Protestant Yoruba in the west, the Catholic Igbo in the east, the predominantly Muslim Hausa Fulani in the north. This diversity of people is the result of thousands of years of history as traders, nomads, and refugees from invaders and climatic changes came to settle with the indigenous population, and as a foreign nation became aware of the area's resources. The events and things fall apart take place at the end of the 19th century in the early part of the 20th century. Although the British did not occupy most of the Nigeria until 1904. ये जो इवेंट्स एंड थिंग्स फॉल अपार्ट में ये एक्चुअली एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में हुए और अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी और ऑल्दो ब्रिटिश जो है वो कभी फुली ऑक्यूपाई नहीं कर सके नाइजीरिया को अंटिल 1904 दे हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन वेस्ट अफ्रीका सिंस द अर्ली 19th सेंचुरी लेकिन उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखी गई इन वेस्टर्न अफ्रीका सिंस अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश वर अ मेजर बायर ऑफ अफ्रीकन स्लेव्स इन 17th एंड 18th सेंचुरी ब्रिटिश जो है 17th और 18th सेंचुरी में बायर्स थे ऑफ अफ्रीकन स्लेव्स और आज भी अफ्रीकन स्लेव्स जो हैं वो यूरोप में और अमेरिका में काम करते हैं इन 1807 हाउएवर द ब्रिटिश आउटलॉड स्लेव ट्रेड विद इन देयर एम्पायर ठीक है उन्होंने इसको आउटलॉ कर दिया था स्लेव ट्रेड को विद इन देयर एम्पायर At that time, they did not yet control Nigeria, and the internal wars continually increased the available supply of captured slaves. उस वक्त वो पूरा का पूरा नाइजीरिया को तो नहीं कैप्चर कर सके, लेकिन वो जो उनकी internal wars थी, वो continuously increased होती रही the available supply of captured slaves और increase the वो जो internal wars थी, उसके चक्कर में बहुत से ये supply of captured slaves जो है वो मतलब ये होता रहा था स्लेवरी होती रही थी इन 1861 फ्रस्ट्रेटेड विद द एक्सपेंडिंग स्लेव ट्रेड द ब्रिटिश डिसाइडेड टू ऑक्युपाई लेगोस अ मेजर स्लेव ट्रेडिंग पोस्ट एंड कैपिटल ऑफ प्रेजेंट डे नाइजीरिया और बाद में क्या हुआ क्योंकि 1861 में वो इस फ्रस्ट्रेट हो गए थे विद द एक्सपेंडिंग स्लेव ट्रेड से तो ब्रिटिश ने कहा कि बजाय इसके कि हम सारे स्लेव्स को इधर ट्रेडिंग करना शुरू कर दें और फिर यहाँ पे आके उनको हम सेटल डाउन भी करें उनके रहने का इंतजाम और ये सारा कुछ तो इससे बेहतर है कि हम लेगूस को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं अ मेजर स्लेव ट्रेडिंग पोस्ट और एंड अ कैपिटल ऑफ द प्रेजेंट डे नाइजीरिया जो कि एक मेजर स्लेव ट्रेडिंग पोस्ट थी और ट्रेडिंग पोस्ट यानी कि पोस्ट था एक जगह थी यहाँ पे पोस्ट एक्चुअली वो वाली पोस्ट की बात नहीं हो रही जैसे हम बोलते हैं ना ये चेक पोस्ट होती है तो ये वो वाली पोस्ट यानी कि उस मरकज को जिसे कहा जाता है ये मरकज वाला और कैपिटल है प्रेजेंट डे नाइजीरिया स्लोली एंड हेजिटेंटली द ब्रिटिश ऑक्युपाइज द रेस्ट ऑफ नाइजीरिया और फाइनली उन्होंने लेगोस को कैप्चर करते ही फाइनली उन्होंने क्या किया उन्होंने रेस्ट ऑफ नाइजीरिया को भी कैप्चर कर लिया अल्टीमेटली द ब्रिटिश वर प्रॉम्प्टेड टू ऑक्युपाई नाइजीरिया फॉर मोर देन द स्लेव ट्रेड और उन्होंने पूरे के पूरे नाइजीरिया को मोर देन स्लेव ट्रेड जो है वो ऑक्युपाई कर लिया द ब्रिटिश वर इन कॉम्पिटिशन विद अदर यूरोपियंस फॉर द कंट्रोल ऑफ नेचुरल वेल्थ ऑफ वेस्ट अफ्रीका आप लोगों को पहले भी बताया था ये जितने भी यूरोप कंट्रीज थे ना इनका आपस में एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया था कौन किसको कॉलोनाइज करता है कौन कितने हिस्सों को कॉलोनाइज करता है और स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने नाइजीरिया के ये छोटे छोटे जो कॉलोनीज थी वो तकरीबन 50 प्लस चली गई इतनी कॉलोनीज बन गई थी और इनके लिए ये बड़ा एक होता था कि हम मतलब जो मैक्सिमम है कॉलोनीज वो किस किस के पास होंगे तो उसके बाद जो है About things fall apart, देखते हैं चिन्हुआ एचेबे a college work sharpened his interest in indigenous Nigerian culture. He has grown up in Ajidi, a large village in Nigeria.
चिनिया एशिबी का एशिबी कॉलेज वर्क जो है उसने उसका शार्पन कर दिया उसका इंटरेस्ट इन इंडिजीनियस नाइजीरियन कल्चर्स में. He had grown up in Ojidi. Ojidi में वो वाला बड़ा a large village in Nigeria. His father taught at the missionary school, and Achebe witnessed firsthand the complex mix of benefit and catastrophe that Christian religion had brought to the Igbo people. उसका अपना father जो था वो एक missionary school में पढ़ाता था और Achebe जो था वो इस चीज का witness था. उसने वो he was the witness firsthand the complex mix of benefit and catastrophe. खुद वो ओजीडी में ग्रोन अप हुआ था, उसका फादर एक मिशनरी था, तो उसने ज्यादा क्लियरली देखा था कि इन दोनों कल्चर के दरमियान डिफरेंस क्या है और क्या कैटेस्ट्रॉफ आया और क्या बेनिफिट्स थे. उसने इन सारी चीजों को बड़ा क्लियर कट जो है वो देखा था दैट द क्रिश्चियन रिलीजन हैड ब्रॉट टू द आइबो पीपल. इन 1950s एन एक्साइटिंग न्यू लिटरेरी मूवमेंट ग्रो इन स्ट्रेंथ. Drawing on indigenous Nigerian oral tradition, this movement enriched Europe literary forms in hopes of creating a new literature in English but unmistakably African. British in 1958, Things Fall Apart is one of the masterpieces of 20th century African fiction. Aur published hua tha ye 1958 mein Things Fall Apart jo hai wo 20th century African fiction ka ek bahut bada masterpiece hai. Things Fall Apart is set in 1890s during the coming of the white men of Nigeria. In the part, the novel is response and antidote to a large tradition of European literature in which Africans are depicted as primitives and mindless savages. Achha, isko zara samajh lijiyega. In part, the novel is a response and antidote. Response mein likha gaya tha aur ye antidote tha. जो एक लार्ज ट्रेडिशन थी यूरोपियन लिटरेचर की. यूरोपियन लिटरेचर की एक लार्ज ट्रेडिशन ये थी कि वो हमेशा ही जो अफ्रीकन्स को डिपिक्ट करते थे वो हमेशा उसको कहते थे ये प्राइमेटिव है और ये माइंडलेस सेविजेस हैं, यानी कि इनकी अकल भी काम नहीं करती और ये कोई प्राइमेटिव्स हैं, कोई पुराने जमाने के कोई लोग हैं और ये सेविजेस हैं, जालिम लोग हैं जिनको मतलब ना उठना बैठना भी नहीं आता और जिनका कल्चर भी कोई नहीं है, तो ये उनको माइंडलेस सेविजेस कहते थे. द एटीट्यूड प्रेजेंट इन कॉलोनियल लिटरेचर आर सो इनग्रेन्ड इन आवर परसेप्शन ऑफ अफ्रीका दैट द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हु अपीयर्स एट द एंड ऑफ द नॉवल स्ट्राइक्स अ कोड ऑफ फैमिलियरिटी विद मोस्ट रीडर. और ये जो एटीट्यूड था जो कि कॉलोनियल लिटरेचर किसके थ्रू हमने शो की थी, हार्ट ऑफ द डार्कनेस जो है वो कॉलोनियल लिटरेचर, ठीक है, यानी कि ये अब पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है और इससे पहले की जो जितनी लिटरेचर लिखी गई वो कॉलोनियल लिटरेचर थी. तो वो कहता है कि ये एटीट्यूड जो कॉलोनियल लिटरेचर में देखा गया आर सो इनग्रेन्ड इनटू आवर परसेप्शन ऑफ अफ्रीका, इतना ज्यादा अफ्रीका की परसेप्शंस जो है वो हमारे दिमाग में बैठ चुकी थी कि वो शायद प्राइमेटिव्स ही हैं और वो माइंडलेस सेविजेस हैं, कि वो जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है जो कि एंड ऑफ द नॉवल में शो हुआ जो कि स्ट्राइक करता है कोड ऑफ फैमिलियरिटी विद मोस्ट ऑफ द रीडर्स. मोस्ट ऑफ द रीडर्स के से वो फैमिलियरिटी, यानी कि मोस्ट ऑफ द रीडर्स जिस तरह से अफ्रीका को समझते हैं, सेम इज द केस विद द कमिश्नर, कि वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो भी इसी तरह ही अफ्रीका को समझता था. He is arrogant, dismissive of African savages and totally ignorant of complexity and richness of Igbo society. और वो जो था क्या था, वो arrogant था, dismissive था of African savages और totally ignorant था of the complexity or and richness of Igbo life. Yet his attitude equals so much of depiction of Africa. This attitude following Achebe's depiction of Igbo seems hollow and savage. Lekin uska jo attitude tha wo itna zyada depict kar raha tha, echoes so much of depiction of Africa, ki this attitude following Achebe's depiction of Igbo, ki ye isne follow kiya Achebe ki depiction of Igbo ko, ki wo jo hai totally andar se hollow aur savage thi, यानी कि वहां का जो कल्चर था वो अंदर से हॉलो और सेविज था, यानी कि बाहर से वो लोग बड़े स्ट्रिक्ट नजर आते थे, अंदर से वो सारे ही डरे हुए थे. जस्ट लाइक द ओकोन को जो बाहर से बड़ा ब्रेव नजर आता था, एक्चुअली अंदर से वो उतना ही होलो था. सेम इज द केस विद द कल्चर, कि उनका कल्चर जितना बाहर से जो है
सख्त नजर आता था, अंदर से वो उतना ही होलो था. Digression is one of the Achebe's most important tools, although the novel's central story is the tragedy of Hukonko. Achebe takes any opportunity he can to digress and relate anecdotes and tertiary incidents. The novel is part documentary, but the liveliness of Achebe's narrative protects the book from reading like anthropology text. We are allowed to see the Igbo through their own eyes as they celebrate the various rituals and holidays that mark important moments in the year and in the people's life. Novel jo hai wo ek part documentary hai, lekin kya hai, ek taraf to wo ek part documentary hai, dekha jaye to wo ek just ek documentary hai, lekin liveliness of Achebe's narrative protects the book from reading like an anthropology text. Lekin ye jo liveliness hai Achebe ke narrative ki, wo protect karta book ko from reading like an anthropological text, ke wo just ek anthropological text hai. We are allowed to see the Igbo through their own eyes. Humne unke Igbo ko dekha unki apni aankhon se. As they celebrate the various rituals and holy days that mark important moments in the year and in the people's life. Humne dekha ki wo unki Igbo society ko humne unki apni aankhon se dekha. और उनका अपना कल्चर यहाँ पे बेसिकली एक्चुअली उनके कल्चर के ऊपर ये चिनुआ एचेबे ने ये पूरी कहानी लिखी थी. और हम देखेंगे कि वो वेरियस रिचुअल्स और हॉलीडेज वहाँ पे मनाते हैं और मार्क इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स इन द ईयर एंड पीपल्स लाइफ. ये 2016 के पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आया था, कल्चर ऑफ आइबो सोसाइटी. ठीक है, तो दैट इज अ वेरी एक क्वेश्चन जो है ना, इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं ना, एक क्वेश्चन इसमें से ये अनसीन देते हैं और एक जो है ना, चले वो बाज़ औक़ात नॉर्मल आ जाता है, लाइक थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म पे आ जाता है या कौन को के कैरेक्टर पे आ जाता है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन आता है ना थिंग्स फॉल अपार्ट में से, वो थोड़ा सा जो है ना ये अनसीन टाइप दे देते हैं. तो आइबो के कल्चर के ऊपर एट दैट टाइम क्वेश्चन आया था 2016 के पेपर में. सो इसका जो कल्चर है एक्चुअली ये लिखा ही कल्चर के ऊपर है ये पूरा नॉवल. Achebe depicts the Igbo as a people with great social institutions. Their culture is rich and impressively civilized with traditions and laws that place great emphasis on justice and fairness. The people are ruled not by king or chief, but by the kind of simple democracy in which all males gathered and make decisions by consensus. अच्छा, यहाँ पे देखिए कि लोग जो है किसी किंग या चीफ के थ्रू रूल नहीं होते थे, बल्कि वहां पे तमाम लोग इकट्ठे होते थे, मेल्स इकट्ठे होते थे और वो एक डिसीजन लेते थे. आयरोनिकली इट इज द यूरोपियंस हु ऑफन बोस्ट ऑफ ब्रिंगिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक्चुअली ये यूरोपियंस थे जो कि ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी पूरी दुनिया में कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए टू द होल वर्ल्ड. Who tried to suppress these clan meeting in Jew mafia? और जिन्होंने पूरी कोशिश की कि ये जो इस clan meetings जो हैं, वो जो Jew mafia में ये जो पंचायत बैठती थी, clan बैठा, इन पंचायतियों को कहा जाता है कि ये जो clan meeting, clan actually यहाँ के कबाइल थे, ठीक है, उनको clans कहा जाता था. तो ये जो clan meetings होती थी वहाँ पे Jew mafia पे जो पंचायतें बैठती थी, वो इसको suppress करना चाहते थे. The Igbo also boast a high degree of social mobility. आइगो में एक हाई डिग्री ऑफ सोशल मोबिलिटी थी, लोगों का मिलना मिलाना बहुत अच्छा था. द आइगो ऑल्सो सॉरी मैन आर नॉट जज बाय द वेल्थ ऑफ देयर फादर. मैन जो हैं उनको उनके फादर की वेल्थ से जज नहीं किया जाता था. एंड एचेबे एम्फसाइजेस दैट हाई रैंक इज अटेनेबल फॉर ऑल फ्री बोर्न आइगो. ही डज नॉट शाय फ्रॉम डिपिक्टिंग द इनजस्टिसेस ऑफ आइगो सोसाइटी. और वो जो शाय ही डज नॉट शाय फ्रॉम कि वो कभी भी उसने शाय फील नहीं किया फ्रॉम डिपिक्टिंग द इनजस्टिस ऑफ आइबो सोसाइटी. जो इनजस्टिस ऑफ आइबो सोसाइटी थे उसने उनको भी डिपिक्ट किया. उसने ओनली जो है यूरोपियंस को शो नहीं किया था, बल्कि वहाँ के इनजस्टिसेस ऑफ आइबो सोसाइटी वो भी उसने शो किए थे. नो मोर और लेस देन विक्टोरियन इंग्लैंड ऑफ द सेम इरा द आइबो आर डीपली पेट्रियोटिक. और विक्टोरियन इंग्लैंड और द सेम इरा में आइबो सोसाइटी जो है वो भी डीपली पेट्रियार्शियल थी, यानी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी. दे ऑल्सो हैव अ ग्रेट फियर ऑफ ट्विंस. उनके अंदर ग्रेट फियर ऑफ ट्विंस था, हु आर अबंडेंट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू आर डेथ बाय एक्सपोजर. अगर इनके घरों में ट्विंस पैदा हो जाते थे तो वो उनको घने जंगल में, इवल जंगल के अंदर, इवल फॉरेस्ट में छोड़ आते थे,
मरने के लिए, who are abandoned immediately after birth or death by exposure. उनको जो है ये जंगल में वैसे ही मरने के लिए छोड़ आते थे. Violence is not unknown, क्योंकि उनके हाँ ये जो है एक बच्चगुनी समझी जाती थी कि हमारे घर में कोई जो है twins पैदा हो गए हैं. Violence is not unknown to them, although warfare on European scale is something of which they have no comprehension. Violence जो है उनके लिए बिल्कुल ऐसे था जैसे कुछ कोई ऐसी चीज जो अननोन हो, यानी कि वहां पे वायलेंस नाम की तो कोई चीज नहीं थी. लेकिन वो जो है ये यूरोपियन स्केल में जो वॉरफेयर थी वो इससे टोटली अननोन थे, वो टोटली इग्नोरेंट थे, जिसकी वजह से बाहर की कॉमों ने इनके जो कल्चर है उसमें इंट्रूड किया और जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल हुआ. द नॉवल अटेम्प्ट्स टू रिपेयर सम ऑफ द डैमेज डन बाय अर्लियर यूरोपियन डिपिक्शंस ऑफ अफ्रीकन्स, और नॉवल में कोशिश की गई है कि वो जो डैमेज किया गया है अफ्रीका की एक इमेज को, उसको इन्होंने रिपेयर करने की कोशिश की है चिनुआ एचेबे ने, कि वो लोग प्राइमेटिव्स नहीं थे, वो लोग जो है सेविजेस नहीं थे, वो लोग माइंडलेस नहीं थे, वो लोग ब्लैक्स भी नहीं थे. ये तो खुद यूरोपियंस वहां पे आए थे जिसके, और इन्होंने गलत डिपिक्ट किया है अपने नॉवल्स के अंदर नाइजीरियंस को. अब ये खुद क्योंकि नाइजीरियन था इस वजह से इसने, ऑल्दो ये एक मिशनरी का बेटा था लेकिन खुद ये नाइजेरियन था, इसलिए उसने कहा ऐसा नहीं है कि नाइजेरियंस जो है उनका कोई कल्चर नहीं है या उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है या वो लोग कुछ फील नहीं करते या वो सेविजेस हैं, बल्कि आप लोगों ने हमें गलत डिपेक्ट किया. बट दिस कोऑपरेशन मस्ट नेसेसरी कम इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी. बाय द टाइम एचेबे वॉज बॉर्न द कमिंग ऑफ द वाइट मैन हैड ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड many aspects of indigenous culture. Lekin by the time Achebe jab born hua tha, to ye jo coming of white men had already destroyed many aspects of indigenous culture. To ye white men jo hai unke bahut se indigenous culture ko us waqt tabah kar chuke the. Acha ji, aage dekh lete hain introduction to things fall apart.